कल हमने इफिड्रा को स्टार्ट किया था। तो इफिड्रा में मैंने आपको स्लाइड दिख रही ना सभी को, ये इफिड्रा लिखा हुआ है फर्स्ट स्लाइड। सर। ओके, इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ये याद रखना, इफिड्रा की जो फैमिली है, इफिड्रेसी फैमिली है, बिलोंग टू ऑर्डर इफिड्रेल्स, ठीक है। 50 की स्पीसीज हैं। इंडिया में पंजाब हरियाणा राजस्थान में ये मिलता है भाई। इसकी कुछ स्पीसीज हैं, इफिड्रा इंटरमीडिया, जियार्डियाना, सेक्सिटेलिस और फोलिटा, ये आपने याद रखनी है। इसको जॉइंट फिर बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर इसके कुछ वुडी शरब की तरह दिखाई देता है, ठीक है। जो हाइट साइज वेरिएशन है प्लांट की, वो वेरी करती है अगेन स्पीसी टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफिड्रा कॉम्पैक्टा, ये केवल 30 सेंटीमीटर तक ही इसकी हाइट होती है, एज कम्पेयर टू इफिड्रा ट्राइएंड्रा जिसकी हाइट सेवरल मीटर होती है भाई, ठीक है। तो मींस वेरिएशन इन दी हाइट, प्लांट हाइट वेरी फ्रॉम द स्पीसी टू स्पीसीज। उसके बाद मेन प्लांट बॉडी है, वो डिफरेंशिएट होती है इनटू थ्री पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीफ। लीफ इसमें फोलिज लीफ एब्सेंट होती है, इसमें स्केल लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ स्टेम की फोटो है। रूट में इसके जो रूट होती है, वो टैप रूट सिस्टम होता है। उसके बाद जो टैप रूट सिस्टम है, जो मेन रूट होती है, इट सुनर और लेटर इट विल रिप्लेस बाय द एडवांटेजियस रूट्स, और इसमें कोई भी माइक्रोजियल एसोसिएशन नहीं होता है, लाइक पाइनस, ठीक है। पाइनस में क्या था, माइक्रोजियल एसोसिएशन था, फंगस का एसोसिएशन था, इसमें ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है। इसके बाद हमने स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। स्टेम में ग्रीन होती है, रिबड होती है, ब्रांच होती है, और इसमें नोड और इंटरनोड होती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्टेम होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। इसके बाद स्टेम से ब्रांचेज अराइज होती हैं, कहाँ से अराइज होंगी, फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स, ठीक है। इसके बाद इसमें उन नोड के ऊपर क्या होंगी, स्केली लीफ प्रेजेंट होंगी भाई। द ब्रांचेज आर ऑल्सो ग्रीन, जो ब्रांच होंगी नोड से राइज होंगी, ठीक है, वो भी क्या होंगी, ग्रीन होंगी, और उनके अंदर भी क्या होंगी, नोड और इंटरनोड होंगी। जो ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है एट द कोटिलेडन स्टेज, यानी जब प्लांट बहुत ही छोटा होता है, या फिर यंग एम्ब्रियोलिक जो स्टेज होती है, उसी टाइम पर इसमें जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद एपिकल मेरिस्टेम होती है, उसको मार्क बाय द टूनिका लेयर, बट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ इंटरनोड है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर। सो द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिकल जोन एट इट्स बेस भाई। दिस जोन इज ड्राइड एट द एंड ऑफ दिस ग्रोइंग सीजन, यानी जब ग्रोइंग सीजन खत्म होता है तो ये जो मेरिस्टेमेटिकल जोन है बिकम ड्राइड, और जो इंटरनोड की जो लेंथ है वो आफ्टर द पर्टिकुलर सीजन इट बिकम सीज, वो रुक जाती है। उसके बाद ये इसकी कुछ फोटो हैं, ठीक है। ये फिट्रा की है, सिंपल इफिट्रा का प्लांट होता है, बूसी बूस लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। लीफ नहीं होती हैं, जस्ट सिंपली स्केल लीफ होती हैं भाई, ठीक है। और कहाँ होंगी, केवल इसके नोड रीजन पे होती हैं, ये इसका नोड रीजन है, ठीक है। नोड रीजन के बीच में जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। उसके बाद लीफ था, लीफ में स्केली लीफ होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, कहाँ होंगी, नोड पे प्रेजेंट होंगी, और अरेंज होती हैं इन अपोजिट डेकोसिट मैनर। ये मैंने आपको कल बताया था अपोजिट डेकोसिट मैनर क्या होता है, लुक लाइक दिस, ठीक है। यानी कि वन पेयर ऑफ लीफ इज अल्टरनेट या फिर एट द राइट एंगल टू द अपर वन और लोअर वन, यानी कि इसके क्या होंगे, राइट एंगल होगा ऐसे, इसमें जो नीचे वाली लीफ होंगी वो ऐसे इस टाइप से राइट एंगल होंगी, ठीक है। इच लीफ दीज लीफ आर यूनाइटेड एट द बेस एंड फॉर्म ए बेसल शीथ, यानी कि जो बेस होता है, जैसे कि आप यहाँ से देखोगे ना, इस डायग्राम में देखोगे, तो ये जो लीफ है, ठीक है, दे आर यूनाइटेड एट द बेस, यानी कि यहाँ से क्या है, दे आर जॉइंटेड टूगेदर, यानी कि यहाँ से क्या, नीचे से क्या है, दे आर जॉइंटेड टूगेदर लाइक दिस, ठीक है। एंड फॉर्म ए शीथ अराउंड द नोड, जो नोड होती है उसके चारों ओर एक कवरिंग बनाती है। इच लीफ कंटेन्स टू अनब्रांच्ड पैरेलल वेन्स, यानी कि हर एक लीफ के अंदर क्या होती हैं, टू अनब्रांच पैरेलल वेन्स होती हैं, ठीक है। दे आर सो माइन्यूट, यानी कि बिल्कुल छोटी होती हैं, तो लिटरली इनका कोई भी यूज नहीं है, बट मींस यूज इन द सेंस दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, बट जो इनका मेन यूज है वो क्या है, दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड भाई, यानी कि जो डेवलपिंग बर्ड और द कोन है, जो आपकी स्ट्रोबिलाई हैं, मेल फीमेल जो स्ट्रोबिलाई होती हैं,
they are also protect them at their younger stage. The function of photosynthesis is carried by the green stem. उसके बाद भी इसमें foliage leaf होती हैं, absent होती हैं. ये again phyllotaxy की फोटो थी जिसमें इफिड्रा में ये मैनर इस मैनर में जो लीफ होती हैं वो अरेंज होती हैं, यानी कि हर एक नोड के ऊपर जो लीफ होंगी दे आर अल्टरनेट एफ राइट एंगल टू द अबो वन और बिलो वन भाई. ठीक है, इसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इफिड्रा की, स्टेम की स्ट्रक्चर देखी थी. इसका ट्रांसवर्स सेक्शन शो करता है कि इसके अंदर जो स्टेम होती है वो रिब्ड होती है, मीन्स इसके अंदर रिज और ग्रू होती है भाई. तो इसमें ये डायग्राम था इसका, इसमें रिज एंड ग्रू है. ठीक है, उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, इपिडर्मिस है. इपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल. ठीक है, उसके बाद इपिडर्मिस अगेन मेड अप ऑफ पेनगामेटस सेल्स एंड इंटरप्टेड विद द स्टोमेटा एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन द ग्रूव रीजन. ठीक है, मैंने कल बताया था जो ग्रूव रीजन होता है वहां पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज बिलो द रीज देर इज ए मास ऑफ या फिर देर इज सेल्स ऑफ सेकल गैमेटस सेल्स. ठीक है, यहाँ पर क्या है जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं, दे आर सिकल गैमेटस सेल्स, सो नो स्टोमेटा प्रेजेंट बिलो द रिज रीजन, द स्टोमेटा ओनली प्रेजेंट एट द ग्रूव रीजन भाई. इसके बाद जो हाइपोड्रोमिस है ये बता दी मैंने, हाइपोड्रोमिस मेड अप ऑफ दिस वन राइट, यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोड्रोमिस मेड अप ऑफ अगेन मास ऑफ या फिर पैचेस ऑफ सिकल गैमेटस सेल्स. तो यहाँ पर क्या है, दे आर सिकल गैमेटस सेल्स प्रेजेंट बिलो द रिज रीजन. ये क्या है, इसका रिज रीजन है. यहाँ पे समझ में आ रहा है इतना आपको, कल बताया था मैंने आपको, जस्ट रिपीट करा रहा हूँ जल्दी जल्दी. ओके इसके बाद बिलो द हाइपोडर्मिस और टुवर्ड द एंडोडर्मिस भाई, जो ये रीजन है यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का. ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन. इसमें जो कोर्टेक्स रीजन होता है उसके अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं और दे कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एंड दे आर लूजली अरेंज्ड, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेसोफिल सेल क्लोरोफिल कंटेनिंग हो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा. ये याद रख लेना, दे आर क्लोरेनकाइमा बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल कंटेंट्स एंड ऑल्सो दे हैव सम इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस. अब नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, इन बिटवीन द क्लोरेनकाइमा इन द कॉर्टेक्स देयर इज ऑल्सो सिग्नलगामेटस सेल्स पैचेज. मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम. क्लियर इतना. इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस अगेन सिंगल लेयर होती है, उसके भी नीचे पेरिसाइकल, ये भी एक सिंगल लेयर होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द एंडोडर्मिस, ऊपर वाली और नीचे वाली क्या इसमें पेरिसाइकल है. इसके बाद नेक्स्ट इसमें वास्कुलर बंडल. तो वास्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें जो वास्कुलर बंडल होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रिंग, पर्टिकुलर रिंग में अरेंज होते हैं. ठीक है, और हर एक वास्कुलर बंडल में जो वास्कुलर बंडल होते हैं दे आर कंजॉइंट कोलेटरल ओपन एंड इन डार्क, इन डार्क इन द सेंस बिकॉज दे हैव प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर. तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा, इसके ऊपर मेटाजाइलम होगा, उसके बीच में यहाँ पर आप कैम्बियम देख सकते हो इसमें. ठीक है, जो ये लेयर है, ठीक है, दिस इज द कैम्बियम और उसके ऊपर वाला प्राइमरी फ्लोएम भी, और सेंटर में इसमें पिथ प्रेजेंट होती है. उसके बाद इसमें ये ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हेयर. ठीक है, इन डार्क फेनोस्टील अरेंज इन रिंग कंजॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डार्क, और एट होते हैं आउट ऑफ एट फोर आर स्मॉल एंड फोर आर लार्ज. ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना. उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम के अंदर इसमें वेसल्स होते हैं भाई, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और जाइलम पेनकाइमा. ऐसे फ्लोएम इसमें कैंपेनियन सेल अब्सेंट होती हैं. कैंपेनियन सेल अगर प्रेजेंट होंगी तो कैंपेनियन सेल ऑब्वियस सी बात है मेन पर्टिकुलर फीचर है इसका एंजियोस्पर्म का. ठीक है, वेसल्स आल्सो ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द फिड्रा स्टेम द फिड्रा इज इफिड्रा इज कंसिडर्ड एज एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म. क्लियर यहाँ तक भाई? यस सर. ओके, इसके बाद इसमें ये डायग्राम मैंने बता दिया आपको. इसके बाद इसमें क्या होती हैं, जो प्राइमरी वास्कुलर बंडल होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, बिटवीन द वास्कुलर बंडल, प्राइमरी वास्कुलर बंडल. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी लिख लेना, प्राइमरी वास्कुलर बंडल, और दे आर मेड अप ऑफ पेनगामेटस सेल्स एंड दीज मेडुलरी रेज कनेक्ट पिथ विद द कॉर्टेक्स भी. ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देखोगे यानी कि दे कनेक्ट
लाइक दिस, यानी कि दे आर प्रेजेंट लाइक दे आर प्रेजेंट हेयर भाई बिटवीन द वस्कुलर बंडल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं, यहाँ पे कोर्टेक्स है, ठीक है, कोर्टेक्स को पिथ के साथ। इसके बाद लास्ट पॉइंट था इसमें पिथ, पिथ में क्या होती है, सेंटर में होती है, ब्रॉड होती है, और जनरली जब प्लांट ओल्ड होता है भाई, यानी कि जब प्लांट में सेकेंड ग्रोथ होती है, उस टाइम पर जो पिथ है का जो टिश्यू है, मींस पेरिकैम्बियल सेल्स हैं, दे आर डेड ऑफ। तो यहाँ पर जो होलो केविटी हो जाती है, यानी कि जो पिथ होगी वहां पर क्या होगा, एक होलो स्पेस बन जाता है इसमें, ठीक है, नियर द नोड। ये थोड़ा इसमें स्लाइटली इसमें पॉइंट था, जो नोड रीजन होता है वहां पर जो पिथ होगी वो लिग्निफाइड होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और एक पेरिडर्मल डायफ्राम बनाएगी भैया लाइक दिस, यानी कि दिस वन इज द पेरिडर्मल डायफ्राम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या करती है, इट हेल्प इन द रैपिड सेपरेशन ऑफ द ब्रांचेस एट दिस रीजन। भाई आपको पता है इफिड्रा के अंदर जो नोड होती है, ठीक है, ये नोड है, नोड से क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, ठीक है ना। तो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ दिस इफिडर्मल डायफ्राम, इट हेल्प इन द इनिशिएटिंग ऑफ रैपिड सेपरेशन ऑफ ब्रांचेस एट द नोड रीजन, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे इस रीजन से क्या है, ये जो नोडल डायफ्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करता है, यहाँ से एक तरीके से जैसे यहाँ पे देखोगे नोड रीजन है, तो यहाँ से क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, दिस इज अ न्यूअर ब्रांच। तो ये क्या करता है, एक तरीके से भाई जो यहाँ पे जो टिश्यूज है उसकी ग्रोथ को एक तरीके से इनिशिएट करता है, लाइक लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट कह लो या फिर इसके अलोंग द नोड रीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। ओके, लास्ट नेक्स्ट इसमें स्टेम में यहाँ तक हमने कल कर लिया था, आज का लेक्चर है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको साइकस में बताई थी, वैसे ही होता है इसमें। जैसे कि इसमें क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं सर, कैम्बियम। हाँ जी, कैम्बियम होती है, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलना। सेकेंडरी कैम्बियम का सर सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो वो कैम्बियम। हाँ जी, हाँ जी, अब बताता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, अब और अन्नू आप जो पूछ रहे थे, आप ये पूछ रहे थे आई थिंक, फोलियर ट्रेसेस। हाँ जी, जो फोलियर ट्रेसेस होते हैं यानी कि दे आर एक्चुअली वस्कुलर सप्लाई भाई, यानी कि जो रन अप टू नोड, यानी कि नोड की, यानी कि इसमें अगर डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये मैं वैसे इसकी फोटो लेना भूल गया, इसे कल आपने पूछा था, मेरे ध्यान नहीं रहा। इसके अंदर जो फोलियर ट्रेसेस होते हैं, यानी कि जो यहाँ से ट्रेसेस निकलेंगे ना, यानी कि जो यहाँ से ट्रेसेस निकलेंगे, जैसे कि इसमें अगर देखें, जैसे कि इसमें ये वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो ब्लैक वाला वस्कुलर टिश्यू है इसमें, और तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी दिस वन, ठीक है, जो रन करेगी टुवर्ड द नोड रीजन, दिस इज नोन एज फोलियर ट्रेसेस, ठीक है। इसमें डायग्राम में है नहीं क्लियर ये इसका पर्टिकुलर, बट जैसे कि यहाँ पे जो इसमें जो ब्रांच अराइज होगी, अब ब्रांच निकलेगी तो भी इसी बात उसको क्या चाहिए, वस्कुलर सप्लाई चाहिएगी, तो जो वस्कुलर सप्लाई ब्रांच में जा रही है यहाँ से, उसको बोल रहे हैं फोलियर ट्रेसेस, जस्ट सिंपल वस्कुलर सप्लाई। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय द जॉइनिंग ऑफ इंटरफेस्कुलर एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको बता देता हूँ भाई, यानी कि एक वस्कुलर मंडल ये है, दूसरा वस्कुलर मंडल ये है, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। उस कैम्बियम का नाम कौन बताएगा, इन दोनों के बीच में इंट्राफेसिकुलर सर, जैसे एक वस्कुलर मंडल ये हो गया और दूसरा वस्कुलर मंडल जी होगा भाई, ठीक है, दो वस्कुलर बंड के बीच में इंटरफेसिकुलर सर, इसके बीच में कैम्बियम है। तो यहाँ पर क्या है, दिस वन इज द प्राइमरी फ्लोएम, दिस वन इज द प्राइमरी जाइलम, और यहाँ पर ये जो सिंगल लेयर है दिस वन, दिस वन इज द नोन एज कैम्बियम। अब पर्टिकुलरली जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है बिटवीन द प्राइमरी वस्कुलर बंडल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस।
ओके अब यहाँ पर जो रीजन था बिटवीन द वस्कुलर बंडल यानी कि जो गैप है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी जो जो सेल्स हैं इसके ऊपर कौन सी लेयर थी, पेरिसाइकल लेयर थी ओबीसी वाला इस टाइप से, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे दिस वन, ठीक है, ये पेरिसाइकल लेयर थी इसके ऊपर, ठीक है, इस टाइप से। अब बिलो द पेरिसाइकल यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो टिश्यू हैं बिटवीन द वस्कुलर बंडल, दे बिकम मेरिस्मेटिक एंड दे फॉर्म ए स्ट्रिप या फिर ए पैच ऑफ मेरिस्मेटिक सेल नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आया? Yes. जो नए बच्चे आए हैं एकता और कौन आया, बाकी तो रेगुलर है सारे के सारे, नवदीप ने तो ऑडियो नहीं कर रखा, उसने तो बस इसको कितनी बार बोलूं मैं, चैट में भी लिख लिया पता नहीं। चलो तो यहाँ पे जो सेल्स हैं भाई, यहाँ पे जो इस रीजन में जो सेल्स हैं, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कलर से डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, दे बिकम एसिमेट्रिक एंड दे फॉर्म ए न्यू स्ट्रिप ऑफ सेल, न्यू मेसिमेटिक स्ट्रिप ऑफ सेल एंड दिस स्ट्रिप ऑफ सेल इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन द थर्ड स्टेप भाई, दीज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जॉइन विद द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड फॉर्म ए कंप्लीट रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल। यानी कि अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी दे आर जॉइन टूगेदर लाइक दिस, ठीक है, दे आर जॉइन टूगेदर लाइक दिस एंड दे फॉर्म ए कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको तो यहां पर क्या होगा, अब इस टाइप से नई जो कैम्बियम है वो डेवलप हो जाएगी भाई, ठीक है, इतना कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बन गई। अभी कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम क्या करेगी, नया टिश्यू ऐड करेगी टुवर्ड द लोअर साइड, टुवर्ड द सेंटर साइड, टुवर्ड द पिथ साइड एंड एज वेल एज टुवर्ड द पेरिफेरी साइड या फिर टुवर्ड द एपिडर्मिस साइड भाई, ठीक है, इस साइड भी ऐड करेगी और ऊपर साइड भी ऐड करेगी, कहां, यहीं पर, समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर मान लो फिर से अगर एक सेकंड सर आवाज कभी कमलदीप भाई आप या तो छत पे बैठ जाया करो मतलब लेक्चर के लिए एटलीस्ट, या फिर देख लिया करो आपके जहाँ पे नेटवर्क ठीक ठाक आता हो, मोस्टली छत पे ठीक ठाक आता है तो आप लोग छत पे बैठ जाया करो, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं कर रही ना भाई, जितने भी सुन रहे हो और नो सर ओके तो आप अपना कनेक्शन देख लिया करो, जहाँ पे बैटर आता है आप वहीं पे जाके बैठ जाया करो, आपकी मर्जी, आप घर पे आप कहीं पर भी रहो कैसे भी रहो, बट जहाँ पे नेटवर्क ठीक आता है वहां पे जाके अपना बैठ जाया करो। तो अगर मैं यहाँ पर एक वस्कुलर बंडल बनाऊं, ठीक है, वैसे मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार लेकिन फिर भी फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वस्कुलर बंडल हैं और ये बन गई हमारे पास कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम इस टाइप से, ठीक है, सिंगल रिंग होती है ये। अब ये क्या करेगी, यहाँ पर नया टिश्यू ऐड करेगी इस साइड और ऊपर की साइड ऐड करेगी भाई, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन जाएगी, अब इसके बाद अगर बात करें तो जब नया टिश्यू ऐड होता है टुवर्ड द आउटर साइड वे टुवर्ड द इस साइड टुवर्ड द अपर साइड, तो ये जो स्ट्रक्चर थी ये ऊपर की तरफ पुश होगी, जो ये स्ट्रक्चर थी आई मीन जो प्राइमरी फ्लोएम था आपका, ये टुवर्ड द अपर साइड पुश होगा और क्रश हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से हम इसको ड्रॉ करेंगे भाई, इट बिकम क्रस्ट, ठीक है। और अब यहां पर क्या बन रहा है, ये नया जो टिश्यू है वो बन रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम था ये अब आ गया यहां पर, और यहाँ पे जो नया टिश्यू ऐड हुआ था इसका नाम हो गया अब सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ पर सिंगल लेयर कैम्बियम है, कैम्बियम अपने आप में हमेशा सिंगल लेयर रहेगी भाई, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी ये, तो ये नीचे की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी लाइक दिस, इसको नाम बोल लेंगे हम सेकेंडरी जाइलम, और ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम बोल रहे थे प्राइमरी जाइलम, अब ये आ जाएगा ये यहां पर, दिस वन इज द प्राइमरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनती है दिस वन, एक सेकेंड, दिस वन, दीज फोर, दीज टू न्यू पार्ट एक्चुअली, क्लियर है इतना,
यस सर। ओके, इसके बाद इसमें हम थे यहाँ पर, तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे शॉर्ट में लिखा क्योंकि मैंने बहुत बार लिख दिया है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बन जाएगी बाय द ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू एंड दीज कैम्बियम कट सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू इन द सेंस दीज आर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो प्राइमरी फ्लोएम होगा वो क्रश हो जाता है और प्राइमरी जो जाइलम था भाई वो टुवर्ड द पिथ टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, पुश हो जाता है यार टुवर्ड द इनर साइड। इन एडिशन टू द सेकेंडरी इन एडिशन टू वास्कुलर टिश्यू कैम्बियम आल्सो फॉर्म द मेडुलरी रेज नोन एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज, यानी कि वास्कुलोमंडल के बीच में, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखें तो इस डायग्राम में देखोगे आप, तो दिस वन इज द सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस वन इज द, इतना होगा इसमें, ठीक है, यहां तक का, दिस वन इज द सेकेंडरी जाइलम, यहां से लेकर यहां तक मान लो इसको सेकेंडरी जाइलम है ये। सर ये इक्वल रेशियो में क्यों नहीं बनते? क्या जैसे सेकेंडरी फ्लोएम है ये, इसका टिश्यू बहुत कम ऐड हुआ और जो सेकेंडरी जाइलम है वो बहुत ज्यादा ऐड हुआ, इक्वल रेशियो में क्यों नहीं होते फिर? वैसे तो कोई पर्टिकुलर आंसर देखो मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है ये, और ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं, बट जहां तक मेरे को लगता है वो ये है क्योंकि जो जाइलम कंपोनेंट होता है ना वो क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, एक्चुअली वुड होता है भाई, ठीक है। अब जब प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो है वाटर, ठीक है, मीन्स उसको ज्यादा वाटर चाहिए एज कम्पेयर टू स्टोरेज। जो अब फ्लोएम क्या करता है, एक्चुअली फ्लोएम जनरली क्या करता है, जो फूड होता है आपका उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और जो जाइलम होता है वो क्या करता है, आपके जो वाटर और मिनरल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो क्या बन रहा है हमारे पास, वुड बन रहा है, एक तरीके से स्ट्रक्चर हार्ड हो रही है, प्लांट की जो ओवरऑल टेक्सचर है वो हार्ड हो रहा है, मीन्स ये एक तरीके से हेल्प करता है इन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। जैसे कि आप बड़े प्लांट देखोगे ना तो जितने भी आप ये फर्नीचर आप की ये होती है चेयर है टेबल है जितने भी हैं, तो दीज आर ऑल मेड अप ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर आप इस टाइप से ही मतलब लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी इसमें जो प्राइमरी फ्लोएम था इसमें, तो प्राइमरी फ्लोएम आप यहाँ पर आप दिखा सकते हो दिस वन, तो दीज आर प्राइमरी फ्लोएम स्ट्रेप दे आर एक्चुअली क्रस्ट, इनके बीच में क्या थी यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन इज द कैम्बियम, ठीक है। इसके बाद इसमें मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो मेडुलरी रेज प्रेजेंट हो बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड जो कनेक्ट करें कोर्टेक्स को पिथ के साथ दे आर नोन एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज, तो यहाँ पे दे आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है, इस टाइप से। और सेंटर में इसमें पिथ होगी, यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होगी, और जो प्राइमरी जाइलम था आपका वो नीचे की तरफ पिथ की तरफ पुश हो जाएगा बिकॉज सेकेंडरी जाइलम की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है टुवर्ड नीचे की तरफ, ऊपर वाला टिश्यू सेम रहेगा, इसमें क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, सिंगल गैमेटर सेल्स का पैच है और यहाँ पर ये ग्रीन मेसोफिल सेल्स हैं। क्लियर है ये इतना? यस। ओके, इसके बाद इसमें कीर्ति नहीं है आज, कहाँ हो? ओके, तो ये जस्ट मैंने क्वेश्चन के लिए स्लाइड बुक की थी, ठीक है, लेबलिंग के लिए, चलो कोई नहीं, तो आप इसको लेबल कर सकते हो भाई फॉर योर प्रैक्टिस, आप इसको लेबल अपने हिसाब से इसको लेबल करने की कोशिश कर सकते हो। तो एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड भी होल्ड करना आप लोग। हेलो, हाँ सतीश जी, ठीक है, बस वो क्लास हो रही है मेरी, 15 मिनट बाद देखता हूँ मैं, हाँ क्लास के बाद देख लूंगा हमको। चलो आपका सभी का थैंक यू भाई यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो आप इसको लेबल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें यह देखोगे ना, दिस वन इज द रिज एंड यहाँ पे जो रीजन बिटवीन द रीजन ऑफ रिज दिस इज नोन एज ग्रूव, ठीक है। तो अभी इस टाइप से अपने प्रैक्टिस के लिए इसको आप लेबल कर सकते हो इस
फोटो को, ठीक है? आपने कितना समझ में आया, कितना आपने पढ़ा? अगेन ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर रही है, ठीक है? तो इसको भी आप लेबल कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। आप इनका एक सेकंड, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इनको लेबल करने की कोशिश कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको कितना आया है, समझ में आया है, ठीक है? तो दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड, हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज आरएलएस एंड टीएलएस भाई। तो जैसे कि हमने पाइनस में पढ़ा था रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और आपका दूसरा था आपका क्या था, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, टेंजेंटियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टीएलएस एंड रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आरएलएस। तो इसमें भी इस फिड्रा में भी आपने बताना है कि जब आप सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो जाइलम बना, हमारे पास सेकेंडरी जाइलम बना है जो वुड बना एक्चुअली, उसको अगर आप रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से कट करोगे तो आपको क्या क्या कंपोनेंट दिखाई देंगे भाई? तो इसके अंदर आपको टैकेट्स दिखाई देंगी, वेसल्स दिखाई देंगी, मेडुलरी रेज दिखाई देंगी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डायग्राम है, तो इसमें वेसल्स दिखाई दे रही है, दीज आर वेसल्स, यानी ये दे आर वेसल्स, जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दे आर वेसल्स। वेसल्स ऑल्सो हैव बॉर्डर्ड पिट, ठीक है? एंड दे एंड ऑल्सो मेडुलरी रेज दिखाई दे रही है हमें, तो दीज आर मेडुलरी रेज इस टाइप से, ठीक है? तो दे आर मेडुलरी रेज, यहाँ पे एक लाइन ऑफ है, यानी कि इस डायरेक्शन में है ये, यानी कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है? तो दे आर मेडुलरी रेज। आपको यहाँ पे ट्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं, तो दीज नीचे वाले क्या हैं, दे आर ट्रैकेट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं, ये आपने जस्ट बताने होते हैं कि आपने जब आरएलएस सेक्शन कट करते हो तो आपको क्या क्या जो स्ट्रक्चर हैं वो विजिबल होते हैं भाई। इसमें आपको ट्रैकेट्स, वेसल्स और मेडुलरी रेज दिखाई देंगी। मेडुलरी रेज कट लेंथ वाइज एंड देयर लेंथ एंड देयर हाइट आर रिवील्ड भाई, यानी कि यहाँ पर इनकी जो हाइट और लेंथ है वो आप यहाँ पे इसको इजिली देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मेडुलरी रेज होती हैं, तो रे सेल जो लिखे हैं दे आर आल्सो मेडुलरी रेज, ठीक है? तो दे आर मेडुलरी रेज, दिस वन एंड दिस वन। इस मेडुलरी रेज कंपोज्ड ऑफ इररेगुलरली डिस्पर्स्ड रे सेल्स एंड रे ट्रैकेट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट डायग्राम में, एक सेकंड, यहाँ पर आप देखोगे तो मेडुलरी रेज कंसिस्ट ऑफ रे सेल्स एंड रे ट्रैकेट्स, तो दीज आर ऑल्सो मेडुलरी रेज, यानी कि दे आर मेडुलरी रेज, ठीक है? यानी कि इतना पोर्शन क्या है इसमें, मेडुलरी रेज का ये, ठीक है? ऊपर वाला पोर्शन इसमें वेसल दिखा रखे हैं इतने में, और नीचे वाले में इसमें ट्रैकेट्स दिखा रखे हैं, तो दीज आर ट्रैकेट्स, इससे नीचे वाले में ट्रैकेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है इसमें, ट्रैकेट्स पोसेस बॉर्डर्ड पिट एंड वेसल्स ऑल्सो पोसेस बॉर्डर्ड पिट भाई, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है? तो इसमें ट्रैकेट्स में भी हैं ये, और आपके वेसल्स में भी हैं, ठीक है? और कई बार जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ये वैसे तो प्लस वन का है, आपने प्लस वन पढ़ा होगा इनमें डिफरेंस, लेकिन फिर भी आपकी रिविजन के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड पुट की है, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स भाई। तो जनरली जो वेसल्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म में होती हैं, एक्सेप्ट इफिड्रा भाई, आपको जो इफिड्रा है वहां पे क्या है, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। टाइप ऑफ सेल, ये इनकी कुछ डिफरेंस है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है? ये आप इफिड्रा के रिगार्डिंग नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर योर बोटनिकल नॉलेज, तो इसको आप रिवाइज कर लेना, ये जो डिफरेंस है, ठीक है? ये आप देख लेना इनको, ठीक है? यहाँ तक ओके। नेक्स्ट इज टीएलएस। टीएलएस में आपको क्या दिखाई देगा, टीएलएस में भी आपको अगेन जाइलम में ट्रैकेट्स दिखाई देंगी, वेसल दिखाई देंगी, मेडुलरी रेज दिखाई देंगी, यानी कि उसके बाद बॉर्डर्ड पिट और सिंपल पिट दिखाई देंगे, और यानी कि ये डायग्राम है इसका जस्ट सिंपल। तो इसमें आपको टीएलएस में क्या क्या दिखाई देंगे, इसमें आपको बॉर्डर्ड पिट दिखाई देंगे, वेसल दिखाई दे रहे हैं इसमें, उसमें आपको रे ट्रैकेट्स, मेडुलरी रेज दिखाई दे रही हैं, रे सेल दिखाई दे रही हैं। तो जो भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो आपने लिखना होता है कि आपको टीएलएस में क्या दिखाई देगा और आपको आरएलएस में क्या दिखाई देगा। क्लियर इतना? इसमें कुछ मतलब समझाने वाला है नहीं, जस्ट आपको जो पार्ट है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे तरीके से कह लो, ठीक है? नेक्स्ट इज लीफ भाई। तो लीफ इसमें मैंने बताया था, इसमें जो लीफ होती है फोलिज लीफ एब्सेंट है, तो इसमें जब पढ़ेंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, दे आर स्किल लीफ।
तो जो स्केली लीफ प्रेजेंट होती हैं दे आर ओवल इन शेप, जैसे कि आपको मैंने बताया था दे आर लुक लाइक दिस वे, ठीक है, यानी कि नीचे से क्या है दे आर जॉइंटेड, अगर मान लो दो बनाऊ यहाँ पे मैं इस टाइप से, ठीक है, नीचे से बेस से क्या होंगे दे आर जॉइंटेड टूगेदर एंड कवर एंड फॉर्म ए शीथ लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द नोड, ठीक है, ऊपर से क्या होंगे दे आर सेपरेटेड. कैन बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन एपिडर्मिस मेसोफिल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू, भी इसमें थ्री पार्ट होंगे इसके, जब हम इसका सेक्शन कट करेंगे. आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय द स्टोमेटा, ठीक है, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर पैनकम्बेटा सेल्स होती हैं, उसके बाद थिक क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट होती है और स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ये इसका टीएस है. आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस दिख रही है फोटो ये, यस ओके, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पैनकम्बेटा सेल्स इंटरप्टेड विद द स्टोमेटा, ठीक है, जो स्टोमेटा की टाइप है यहाँ पे सनकन स्टोमेटा है, एंड स्टोमेटा आल्सो हैव बोल रहा था एकता कुछ बोल रहे थे आप, लिख दिया करो, आप चैट का ऑप्शन है इसमें, आप लिख दिया करो अगर कुछ पूछना हो तो, कोई नहीं. तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पैनकम्बेटा सेल्स इंटरप्टेड विद द स्टोमेटा, स्टोमेटा की जो टाइप है सनकन स्टोमेटा बिकॉज ऑफ जीरोफिटिक हैबिटेट्स, जीरोफिटिक करेक्टर, स्टोमेटा लीड इन टू द सब स्टोमेटल केविटी, तो स्टोमेटा के नीचे जो केविटी है उसको बोलते हैं सब स्टोमेटल केविटी यहाँ पे, एंड इच स्टोमेटा हैव टू गार्ड सेल, यहाँ पे सब स्टोमेटल केविटी है ये, और यहाँ पर क्या होंगे स्टोमेटा की दो गार्ड सेल्स होंगी. उसके बाद बिलो द एपिडर्मिस देयर इज ए रो ऑफ पैलिसेड सेल्स, ठीक है, एंड दीज पैलिसेड सेल्स आर ग्रीन एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटो, सॉरी फोटो नहीं होता, बट दे आल्सो हैव सम काइंड ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट, बट दे डू नॉट परफॉर्म दैट मच ऑफ काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to 3 लेयर ऑफ पैलिसेड टिश्यू, ठीक है, इन द इनर टू द इंडोडर्मिस, इनर टू द एपिडर्मिस, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो दिस जोन इज नोन एज आपका मेसोफिल टिश्यू जोन, भाई इसमें 2 लेयर भी हो सकती है और 3 लेयर भी हो सकती है, किसकी, पैलिसेड टिश्यू की. दी सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, बट द थिंग इज दे आर सो मच माइन्यूट, जब इनमें यंग स्टेज की होती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है, बट जैसे ही ये ओल्ड होती हैं इनका जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो डिग्रेड हो जाता है एंड दे टर्न इनटू रेडिश इन कलर, भाई यानी कि आपको ये रेडिश ऑरेंज कलर की दिखाई देंगी, नॉट ग्रीन इन कलर, ठीक है, इसलिए क्या होता है इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द फोटोसिंथेसिस वो ऑलमोस्ट नील होता है, ठीक है, लेकिन जब ये यंग होती हैं एट दैट टाइम दे आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट एंड इंटरसेलुलर स्पेस एंड स्टोमेटा, ऑब्वियस सी बात है ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये अगर प्रेजेंट हैं तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी वो क्या करेगी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, क्यों, क्योंकि इसको स्टोमेटा चाहिए गैसेज एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन को आउटसाइड पुश करने के लिए और CO2 को इनसाइड इनहेल करने के लिए, ठीक है, और सेल है यहाँ पे वाटर होगा ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पे जो सेल है उनके पास क्या क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो दे मे बी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट देयर स्ट्रक्चर इज सो माइन्यूट सो स्मॉल दैट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन या फिर प्लांट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट नील. इसके बाद इसमें इन द सेंटर ऑफ द लीफ जो यानी कि इनके नीचे का जो पोर्शन होगा उसमें क्या होगा पैनकम्बेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर जो टिश्यू है जो आपको व्हाइट कलर की सेल दिखाई दे रही हैं दिस इज द पैनकम्बेटस सेल्स, ठीक है, सेंटर में इसमें 2 वस्कुलर बंडल होते हैं, तो एक वस्कुलर बंडल ये है और दूसरा वस्कुलर बंडल इसमें ये है यहाँ पे, ठीक है, इस वस्कुलर बंडल में ऑब्वियसली बात इसमें क्लोज्ड होगा, इसमें कैम्बियम अब्सेंट होती है, तो कैम्बियम अब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, और जाइलम टुवर्ड द अपर साइड भी, यानी कि आप देख सकते हो जो जाइलम कंपोनेंट है कि टुवर्ड द अपर साइड है, यहाँ पर भी ये अपर साइड है, वैसे तो अपर इन द सेंस बाहर की साइड कह लो, ठीक है, डोर्सल साइड कह सकते हो अब इसको.
इसके बाद लास्ट इसमें रूट भी, तो रूट की जो एनाटॉमी है मैंने आपको पहले बताया था, नॉट सो देम सो दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट आपको ये बताना चाहिए सिंगल लेयर इपिब्लेमा या फिर इपिडर्मिस, ठीक है। इपिडर्मिस को रूट के केस में क्या बोलते हैं, इपिब्लेमा बोलते हैं। आउटर कोर्टेक्स होता है इसमें कंपोज्ड ऑफ कोलोनोगैमेटस सेल्स, इनर कोर्टेक्स होता है मेड अप ऑफ पेरेंगैमेटस सेल्स, यानी कि दो टाइप के कोर्टेक्स हैं, आप इसको डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आउटर कोर्टेक्स होगा और इनर कोर्टेक्स होगा, आउटर कोर्टेक्स में आप कोलोनोगैमेटस सेल दिखा देना और इनर कोर्टेक्स में आप पेरेंगैमेटस सेल्स दिखा देना। उसके बाद इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दिखा दोगे, तो दिस वन इज द एंडोडर्मिस एंड इसके नीचे आप दिखा सकते हो पेरिसाइकल लाइक दिस, दिस वन इज द पेरिसाइकल। वास्कुलर बंडल आर इन रेडियल एक्सार्क, ठीक है, लाइक नॉर्मल एंजियोस्पर्म भैया, लाइक आपके जो अपने साइकस की अगर रूट की स्ट्रक्चर याद है तो इसमें एक्जार कंडीशन होती है, यानी कि वास्कुलर बंडल में जो प्रोटोजाइलम होगा वो टुवर्ड द आउटसाइड होगा इसमें, ठीक है। तो वास्कुलर बंडल आर रेडियली अरेंज्ड एंड एक्जार्क इन कंडीशन, रूट में भी डाईआर्क और ट्राईआर्क सिमिलर टू द साइकस, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि डाईआर्क कंडीशन कैसी होगी भाई, यानी कि इसमें जो अगर यहाँ पे अगर बात करें तो वैसे तो ये चलो एक मिनट रहती है, अभी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा या आज की क्लास आपकी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसके अंदर वास्कुलर बंडल होंगे, उसमें कैसी स्ट्रक्चर होगी, लुक लाइक दिस वे, ठीक है। अगर डायर कंडीशन है तो इसमें लुक लाइक दिस, यहाँ पे सर लीव्स में एक्सार्क होते हैं डार्क होते हैं। वैसे तो लीफ में अगर हम ये बोल नहीं सकते ना, क्योंकि पिथ नहीं है एक्चुअली, तो उसको आप एक्सार्क ही कंसीडर करोगे भाई, यानी कि मैं इसको एक बार ये बता देता हूँ। एक था जो आप पूछ रहे हो, अगर कैम्बियम अब्सेंट है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो वहां पर जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है वो सेम रहेंगे, उनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो रूट के जो सेंटर में आपको इस टाइप की डाईआर कंडीशन मिलेगी, यानी दो आर्क ऑफ जाइलम, ठीक है, एक्सार्क बिकॉज ऑफ द प्रोटोजाइलम टुवर्ड द आउटसाइड। अच्छा अनु, जो आप पूछ रहे हो उसका मतलब इस यहाँ पर देखो, एक्चुअली जो पिथ है एक्चुअली वो अब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंगियल सेल्स आर दे आर फील्ड अराउंड वास्कुलर बंडल। तो एक्सार्क और इंडार्क तब बोलते हैं वैसे जब हम इसको पर्टिकुलरली प्रोटोजाइल